हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके लो मार्क्स हैं, लो मार्क्स इन द सेंस, पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि लो मार्क्स किसके हैं, हाई मार्क्स किसके हैं, कितने मार्क्स में जो है हमें अपनी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन मिल जाएगा, तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी अभी आपका रिजल्ट आउट हुआ है, ठीक है, तो सारे बच्चे परेशान हैं कि हम क्या करें, मैम हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, क्या हमें इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, क्या हमें इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं उन सभी बच्चों को बता दूं कि मैं इस वीडियो के नीचे भी एक लिंक अटैच कर रही हूँ गूगल फॉर्म की, ठीक है, एक गूगल फॉर्म की आपको लिंक मिलेगी, वो फॉर्म सभी लोग फिल कर दो। ऑलरेडी जो है काफ़ी बच्चे फॉर्म फिल कर चुके हैं जिनने मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाला वीडियो देखा था, जिन्होंने नहीं देखा है मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि आप सभी लोग फॉर्म फिल कर दो। उससे हो गया क्या कि मैं गूगल फॉर्म के थ्रू एक एनालिसिस प्रिपेयर कर रही हूँ, कल या परसों तक वीडियो आ जाएगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ का। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के वीडियो का इंतजार जितने भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो वीडियो जल्दी ही आउट होने वाला है, तो इसको लेके बिल्कुल परेशान मत हो, मैं आपको एकदम एक्यूरेट डाटा दूंगी, ठीक है, एक्यूरेट डेटा रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा कुछ हवा में है, कुछ तुक्के मारे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरा एनालिसिस करके प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देख के कितने स्टूडेंट्स किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं एमएससी फॉरेंसिक साइंस के लिए, ठीक है, वो पूरा डेटा मैं कलेक्ट करके और वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, हर यूनिवर्सिटी के लिए, जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, डॉक्टर हरि सिंह और सागर यूनिवर्सिटी, बीएचयू है आपकी, डीयू है, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी है, विक्रम यूनिवर्सिटी है, ये सभी यूनिवर्सिटीज जो है ये एमएससी फॉरेंसिक साइंस कोर्स ऑफर कर रही हैं और आप इन्हीं में से जो है कुछ यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हैं, तो इन सभी का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। बस आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा गूगल फॉर्म आप फिल करोगे, जितने ज़्यादा रिस्पॉन्स मुझे मिलेंगे उतना एक्यूरेट एनालिसिस मेरा निकल के आएगा, तो वो सभी लोग फॉर्म फिल कर देना ध्यान से। इस वीडियो में हम बेसिकली क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जिनके लो मार्क्स हैं, जिन्हें लग रहा है कि मेरे मार्क्स कम है, सीयूईटी पीजी में मेरे मार्क्स कम आए हैं, 200 से नीचे हैं, या मान लो चलो 180 के नीचे हैं आपके मार्क्स, ठीक है, तो हम उनकी बात कर रहे हैं, उन बच्चों की बात कर रहे हैं कि भाई अब आपके पास में क्या ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हो। इवन जिनके 200 प्लस मार्क्स भी हैं, मैं उन सभी के लिए बोल रही हूँ ये वीडियो जरूर देखना, आपके कितने भी मार्क्स हो, नो मैटर आपका कितना अच्छा परसेंटेज बना हो, लेकिन आप ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको अदर यूनिवर्सिटीज के भी ऑप्शंस बताने वाली हूँ कि आपके पास में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं अदर यूनिवर्सिटीज के, जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे कि अदर ऑप्शंस क्या हैं आपके पास में, ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो खुद का एंट्रेंस एग्जाम लेती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो मेरिट बेसिस पर लेती हैं, ठीक है, टॉप यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं हम, तो मैं वो सभी यूनिवर्सिटीज के नाम, क्या वो कोर्स ऑफर करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, कितनी सीट्स उस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं और एप्लीकेशन फॉर्म्स कब निकलेंगे या आउट हो चुके हैं या क्या सिस्टम है, वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। देखो बात इतनी सी है कि सबको अपना अपना एक बैकअप ऑप्शन रखना चाहिए, कितने भी मार्क्स हों, नो मैटर, ठीक है, आपको एक बैकअप ऑप्शन रखना चाहिए, और जिनके लो मार्क्स हैं स्पेशली उनके लिए, देखो ऐसा नहीं है कि सीयूईटी के थ्रू अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही है तो इसके अलावा यूनिवर्सिटीज खत्म हो गई, ठीक है, तो भाई स्ट्रेस लेना बंद करो, दूसरे ऑप्शंस की हम बात करेंगे। तो मैं कट ऑफ तो मैं बता ही दूंगी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा एनालिसिस करके, लेकिन जो बच्चे भी स्ट्रेस में हैं, एकदम टेंशन में बैठे कि मैम अब क्या करें, अब तो जीवन ही खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सीयूईटी के थ्रू तो आपको कुछ 5 या 8 या 10 यूनिवर्सिटीज में ही एडमिशन मिल रहा था एमएससी फॉरेंसिक साइंस में, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको एडमिशन देती हैं
MSc फॉरेंसिक साइंस में, तो मैं वो ऑप्शंस आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। इज दैट क्लियर? तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना। यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग के रिगार्डिंग मैं एक एक अपडेट यहाँ पे दूंगी, CUET के रिगार्डिंग और अदर यूनिवर्सिटीज के रिगार्डिंग भी सारे अपडेट आपको यहीं पर मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। और दूसरी चीज, अगर आप उससे वन ऑन वन गाइडेंस लेना चाहते हो तो आप नीचे अगेन रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया हुआ है गाइडेंस के लिए, तो आप रजिस्ट्रेशन करके मुझसे गाइडेंस ले सकते हो। फॉरेंसिक की फील्ड में क्या जॉब्स हैं, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या कॉलेजेस अवेलेबल हैं, मार्क्स कम आए हैं तो हमें अब क्या ऑप्शन रखने चाहिए, कैसे हम प्रिपेयर करें, और बहुत सारे जितने भी जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप मुझसे पर्सनली वीडियो कॉल के थ्रू बात कर सकते हो। ठीक है, तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको वहाँ पर बताऊँगी। इज दैट क्लियर? तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो मेरी गाइडेंस ले सकते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले नंबर पे जो यूनिवर्सिटी आती है वो है NFSU। डेफिनेटली जितने ही बच्चों ने CUET PG का फॉर्म भरा है उनमें से आई थिंक 90% बच्चों ने NFSU का भी फॉर्म भरा है। तो अगर आपका CUET PG में स्कोर कम हो गया है तो यू हैव द ऑप्शन ऑफ NFAT। NFAT का ऑप्शन अभी भी आपके पास में अवेलेबल है। NFSU जो है ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आता है, टॉप वन बोल सकते हैं हम, ये सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी है फॉरेंसिक साइंस के लिए। आपको MSc फॉरेंसिक साइंस, MSc क्लिनिकल साइकोलॉजी, MSc साइबर सिक्योरिटी, MSc डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ये भी ऑफर करते हैं। ठीक है, तो इतने सारे ये कोर्सेज आपको ऑफर कर रहे हैं, आपको जिसमें भी इंटरेस्ट हो। इसमें MSc फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी भी है, ये भी आप ऐड कर लेना। MSc फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, MSc फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी ये भी अवेलेबल है कोर्सेज, तो इनमें से आप कोई भी कोर्स ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, इतने सारे कोर्स ही ऑफर कर रही हैं। अगेन NFAT की जितनी भी प्रिपरेशन है उसमें बेसिक्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस के बारे में मैं यहाँ पे अपने चैनल पे पढ़ा रही हूँ, तो उन वीडियोज़ को देख लेना। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मैंने अपलोड करी हुई है वीडियो सेपरेटली, तो वो भी देख लेना। और जितने भी NFSU के रिगार्डिंग अपडेट्स होंगे वो भी आपको यहीं पे मिलेंगे। तो एक चैनल पे आपको सब कुछ मिल रहा है, तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। ठीक है, तो देखो कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, 60 सीट्स अवेलेबल हैं और इनके 8 कैंपस हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, और 8 कैंपस हैं, 60 सीट्स अवेलेबल हैं। एप्लीकेशन डेट की बात करें तो इसके फॉर्म ऑलरेडी आउट हैं, 10th of May इनकी लास्ट डेट है। अभी अप्रैल चल रहा है, मतलब आपके पास में अभी टाइम है, तो इसका फॉर्म आप फिल कर सकते हो। 16th और 17th June को इसका जो है एग्ज़ाम होने वाला है, एंट्रेंस एग्ज़ाम। ठीक है, प्रेपरेशन मैं करा रही हूँ, तो आप लोग जो है अगर और जानना चाहते हो उसके बारे में तो आप मेरी गाइडेंस ले सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं गवर्नमेंट होलकर साइंस कॉलेज। ये जो कॉलेज है ये है इंदौर में, गवर्नमेंट होलकर साइंस कॉलेज इंदौर में है। ये मेरिट बेसिस पे, यानी कि आपका जो है BSc के जो मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे एडमिशन लेते हैं। MSc फॉरेंसिक साइंस आपको ऑफर करते हैं, 30 सीट्स इनके पास में अवेलेबल हैं। अभी तक फॉर्म्स आउट नहीं हुए हैं तो मैं टेलीग्राम ग्रुप्स में इन्फॉर्म कर दूंगी या सेपरेटली वीडियो बना दूंगी, तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट होलकर साइंस कॉलेज है, इंदौर में है, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे RRU, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। ये आपका देखो मेरिट बेसिस पे भी एडमिशन लेते हैं, और अगर बच्चे ज़्यादा हुए, एप्लीकेशन फॉर्म ज़्यादा आए, तो ये अपना खुद का एंट्रेंस भी कंडक्ट करा सकते हैं। अभी तक उन्होंने ये क्लियर नहीं किया है, दोनों चीज़ें मेंशन करी हैं। वैसे तो अभी तक मेरिट बेसिस पे होता आया है लास्ट ईयर तक, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे तो एंट्रेंस होगा। और कुछ स्पेसिफिक कोर्स जैसे BTech MTech कोर्स हो गया, इनमें तो एंट्रेंस ही लेते हैं ये। ठीक है, तो कोर्स है आपके पास में MSc फॉरेंसिक साइंस, MSc MCom फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन, ये कोर्स अवेलेबल है। 30 सीट्स जो है पर कोर्स के हिसाब से यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब इनके एप्लीकेशन आ चुके हैं, ठीक है, नॉट येट आउट, ओके, ये यहाँ पे गड़बड़ लिखा हुआ है। बेसिकली राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के एडमिशन फॉर्म्स काफ़ी टाइम पहले आ चुके हैं, तो आप चेक कर लेना, ठीक है, वेबसाइट पर। और मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के, एक सेपरेट मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया कैसे क्या अप्लाई करना है, तो इनके फॉर्म्स आ चुके हैं। नेक्स्ट झारखंड रक्षा शक्ति, राष्ट्रीय रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी डिफरेंट है, राष्ट्रीय रक्षा नाम है उसका, और ये झारखंड रक्षा यूनिवर्सिटी ये रांची में है, रांची झारखंड में है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, मेरिट बेसिस पे लेगी ये। देखो बेसिकली लास्ट ईयर तक ये यूनिवर्सिटी एडमिशन ले रही थी CUET PG में, लेकिन इस साल उन्होंने वहाँ से ड्रॉप आउट कर लिया है कि वो CUET PG में एडमिशन नहीं ले रहे हैं।
अब वो या तो मेरिट बेसिस पे लेंगे या फिर ये खुद का एंट्रेंस कराएंगे। अगेन उन्होंने अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं करा है। ये कोर्स ऑफर करते हैं एमएससी फॉरेंसिक साइंस और एमए एमएससी इन क्रिमिनोलॉजी। सीट्स 20 सीट्स ही अवेलेबल हैं, सीट्स का नंबर थोड़ा सा कम है यहाँ पे और अभी तक फॉर्म्स आउट नहीं हुए हैं। ये तो क्लियर हो गया, आपको इतना समझ में आ गया, झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी JRSU रांची, क्लियर। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी लखनऊ यूपी में है, इनका मेरिट बेसिस पे ही एडमिशन होगा, फॉर्म्स अभी तक आउट नहीं हुए हैं, 40 सीट्स अवेलेबल है, एमए एमएससी फॉरेंसिक साइंस ऑफर करते हैं, ठीक। ये सब टॉप यूनिवर्सिटीज है, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई खराब यूनिवर्सिटी हो। फिर आता बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, ये भी मेरिट बेसिस पे लेते हैं या खुद का एंट्रेंस भी करा सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है, क्लियर। एमएससी फॉरेंसिक साइंस और एमए क्रिमिनोलॉजी ऑफर करते हैं, 40 सीट्स अवेलेबल हैं, अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह की डेट आउट नहीं हुई है। जो भी यूनिवर्सिटीज की फॉर्म वगैरह आएंगे, डेट्स आएंगे, मैं इन्फॉर्म कर दूंगी। फिर आती है ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, ठीक है। ओस्मानिया यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है और ये या तो यूनिवर्सिटी का OUCET नाम से इनका एंट्रेंस होता है या फिर मेरिट बेसिस पे भी ये एडमिशन ले सकते हैं, क्लियर। तो ये एमएससी फॉरेंसिक साइंस ऑफर करते हैं, 30 सीट्स अवेलेबल है, एप्लीकेशंस आर नॉट येट आउट, आई विल इन्फॉर्म यू एज सून एज देयर इज एनी अपडेट इन एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी, तो PUCET कंडक्ट कराते हैं ये, ठीक है, इनका खुद का एंट्रेंस होता है, एमएससी फॉरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी ऑफर करते हैं। अब इनके सीट्स का ऐसा है 19+1+1 क्या होगा, जो गवर्नमेंट और उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, एक सीट उनके लिए होगी और दो सीट्स NRI के लिए अलग से होगी, तो 19+1 20 और +2 और 22, टोटल 22 सीट्स है इनके पास में, ठीक है। और इनके जो एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है वो है 24 मई, तो फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, तो आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास में, कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, ये है कोची में और ये CUSET CAT, इस ये अपना खुद का इन्हीं का खुद का एग्जाम है, ये कंडक्ट कराते हैं, एमएससी फॉरेंसिक साइंस ऑफर करते हैं, 15 सीट्स अवेलेबल है, फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, ठीक है, आउट हो चुके हैं और एडमिशन क्लोज भी हो गया, 15/3 दिया हुआ है लास्ट मंथ, तो ये तो ऑप्शन से हटा दो, इसको डिलीट कर दो, ये हमारे काम की नहीं है, बट हाँ नेक्स्ट ईयर के लिए अगर आप चाहते हो तो ध्यान रखना। फिर आ जाओ यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, ठीक है, तो यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम भी हो सकता है, मेरिट बेसिस पे भी हो सकता है, ठीक है। क्रिमिनोलॉजी, एमएससी इन क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस ऑफर करते हैं, 39 सीट्स अवेलेबल हैं, एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक आउट नहीं हुए हैं, ठीक है। मैंने टॉप से स्टार्ट किया, ध्यान रखना जो भी मैंने नंबर है ना बताने का वो टॉप यूनिवर्सिटी से ही है, NFSU सबसे पहले टॉप पे आती है, उसके बाद मैंने बाकी की यूनिवर्सिटीज बताई हैं। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, तो ये भी या तो एंट्रेंस लेगी या मेरिट बेसिस पर, क्लियर अभी तक नहीं है, जब तक फॉर्म्स नहीं आ रहे, ब्रोशर नहीं आ रहा, क्लियर कुछ भी नहीं बता सकते हैं, तो अभी तक फॉर्म नहीं आए हैं, तो कोई अपडेट नहीं है इनकी तरफ से। और ये भी एमएससी क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनल जस्टिस साइंस ऑफर करते हैं, बेसिकली फॉरेंसिक साइंस नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखना फॉरेंसिक नहीं है, क्रिमिनोलॉजी अवेलेबल है, दोनों अलग अलग हैं और इस पर कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। एमएससी फॉरेंसिक और क्रिमिनोलॉजी दोनों अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, ये बहुत क्लियर रखना अपने दिमाग में। इज दैट क्लियर एवरीवन, ये समझ में आ गया आप सभी को? तो इतनी ही यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको ऑफर कर रही है एमएससी फॉरेंसिक साइंस, जिसमें मैंने टॉप यूनिवर्सिटीज बता दी, NFSU, गवर्नमेंट होलकर साइंस कॉलेज, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, JRSU, लखनऊ, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये टॉप यूनिवर्सिटीज मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, ये सब ऑप्शंस हैं, तो भाई अब टेंशन लेने की बात क्या है, जब हमारे पास CUET के अलावा इतने सारे बेस्ट यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो फॉर्म फिल करो, उनके प्रेपरेशन करो, इसको छोड़ो, अब ये हो गया। अब जब काउंसलिंग पोर्टल ओपन होगा, काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो मैं कट ऑफ वगैरह सब कुछ डालूंगी, 16th या 17th को आपको कट ऑफ का एनालिसिस मिल जाएगा, लेकिन ये गूगल फॉर्म नीचे आज के आज फिल कर दो फटाफट से, देखिए डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है उसको फिल करो, जिससे कि मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्यूरेट एनालिसिस कर पाऊँ, क्लियर एवरीवन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।